विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं सत्ता पक्ष से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री अरविंद भदौरिया और बीजेपी के कई नेता उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि शीतकालीन सत्र को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाए जाने के संबंध में बैठक में चर्चा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में अधिक से अधिक विधायकों को अपनी बातें रखने का मौका मिले, जिससे जन भावना से जुड़े मुद्दों को सदन ज्यादा से ज्यादा उठा सके। उसमें मुख्यतः सर्वदलीय बैठक विधानसभा के संचालन के व्यवस्थित संचालन के लिए आहूत की गई थी। प्रतिपक्ष के नेता थे, गोविंद सिंह जी थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, अरविंद भदौरिया, लगभग लगभग सभी उपस्थित थे। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी वह उत्तर प्रदेश के दौरे में है, इसलिए वो नहीं आ पाए। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी, कैसे चलाया जाए उसको, कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सकें, उनकी जो जनकांक्षाएँ हैं उनकी या जन अपेक्षा है उसकी पूर्ति का एक प्लेटफार्म की तरह उपयोग कर सके वो। और इसमें लगभग लगभग सहमति है कि ठीक चलाया जाना चाहिए। तो उसमें दो विषय आए। एक विषय ये था कि प्रश्नकाल सबसे ज़्यादा बाधित होता है, प्रश्नकाल, और सबसे ज़्यादा नुकसान विधायक का और जनता के भी उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति न होने का एक बड़ा कारण बनता है। तो प्रश्नकाल कैसे चले कि 25 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर दे सकें, उसका तरीका ये निकाला गया कि जो प्रश्न हम प्रिंटेड करते हैं उसका आंसर भी प्रिंट होकर के आता हो, पुस्तिका छपती है, प्रश्नोत्तरी जिसको कहते हैं आप। तो विधायक उसमें करते क्या है कि पहले प्रश्न छपे हुए को पढ़ेंगे, फिर उसमें छपे हुए उत्तर को पढ़ेंगे, फिर ये कहेंगे कि इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए अब दूसरा कोई सवाल कर रहा हूँ। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि विधायकों को न प्रश्न पढ़ना पड़े न उत्तर पढ़ना पड़े, वो पहले से अध्ययन करें, उसको अध्ययन करके पूरा क्वेश्चन क्या बनता है वो सीधा पॉइंटेड पूरा क्वेश्चन पूछें, तो मंत्री को जवाब देने को भी सुविधा मिलेगी और उसमें समय भी बचेगा हमारा और दूसरे विधायक का एक अवसर भी बढ़ेगा। और हमको ऐसा लगता है कि वो सार्थकता भी होगी उस प्रश्न की, क्योंकि मंत्री को लगेगा अच्छा हम भूमिका बांधते रहते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते रहते हैं, तभी तो बतौर सलाह मैंने जिन विधायकों का प्रश्न आया है, करीब 86 लोगों का तारांकित के रूप में 25 जो प्रश्न आते उसमें से आया है, उनको सबको पत्र भी भेज दिया है, उनसे आग्रह भी किया, सर्वदलीय बैठक में भी आग्रह किया प्रतिपक्ष वगैरह से कि ये सब करना है। दूसरा, समय का निर्धारण के लिए बात आई कि समय 5 दिन का कम पड़ता है, तो उसमें भी लगभग लगभग ये तय हुआ कि यदि आप कल कारण मंत्रालय की समिति में हम तय करें, यदि हमको समय कम दिखाई पड़ता है तो उसके लिए विधानसभा को इतने दिन में ही कार्यावधि हम बढ़ा सकते हैं, कार्य दिवस भले ना बढ़ता हो पर कार्यावधि बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह हम उसको और आगे तक ले जा सकते हैं, जो लंच का ब्रेक होता है उसको रोक सकते हैं, ये सब उपाय किए जा सकते हैं जिससे कार्यावधि हम बढ़ा सकते हैं, पर उसमें बहसी होना चाहिए। और इसमें लगभग लगभग सबकी सहमति है दोनों पक्षों की कि हाँ विधानसभा चलना चाहिए, सुचारू ढंग से चलना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए, सबकी सहमति है, अभी तो यही तय करके गए हैं सब। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों दलों ने सत्र चलाने को लेकर सहमति जताई। बैठक में सत्र के दौरान कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न रख सके इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बात रखी। अध्यक्ष जी के साथ में सर्वदलीय बैठक हुई थी, दोनों दल सत्र चलाने के लिए सहमत है। एक विषय अध्यक्ष जी ने ठीक दिया था,
कि जो प्रश्न का प्रश्न लिखित में होता है और उत्तर जिसका लिखित में आता है, उन दोनों को न पढ़ा जाए उतने समय को सीधा हम पूरक प्रश्न पूछ कर समय की बचत कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन आ जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में सत्ता पक्ष वालों के ही अधिकतर सवाल होते रहते हैं और विपक्ष वालों को मौका नहीं मिलता। सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर हमने सदन की कार्यवाही बढ़ाने की मांग की है। सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं जहाँ सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आज बड़े जलते हुए मुद्दे हैं, हमारे पिछड़े वर्ग आरक्षण का मुद्दा है, हमारे खाद बीज का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये मुद्दे क्या सरकार स्वीकार करती है कि हम इसको लें, 139 में हम टेकअप करें, हम स्थगन प्रस्ताव लाएं? एक दफ़ा क्यों नहीं होता स्थगन प्रस्ताव? हो सकता है कोई गवर्नमेंट तो गिरने वाली नहीं है, पर कार्रवाई उस प्रकार चलनी चाहिए कि सब सोचे कि उनके साथ न्याय हुआ है। हमने बढ़ाने की मांग करी है, दिन में समय बढ़ाने की मांग करी है, हमने कहा 24 तारीख के बाद भी इसे चलाइए। गौरतलब है कि आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सत्र चलाए जाने की मांग को लेकर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, भोपाल।